क्लिप ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश से ही है, जहां पर अमर मणि त्रिपाठी की जेल से रिहाई की जाएगी। अमर मणि की पत्नी मधुमणि भी रिहा होंगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रशासन ने आदेश जारी किया। टाइम्स नाम नवभारत पर अमर मणि की रिहाई से जुड़ा दस्तावेज हम आपको दिखाएंगे। मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा है अमर मणि त्रिपाठी। अमर मणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधुमणि दोनों की समय पूर्व जेल से रिहाई की जाएगी। इसके लिए दोनों को डीएम के पास बॉन्ड भरने के बाद रिहा किया जाएगा। अच्छे आचरण की वजह से दोनों की बाकी की सजा माफ की गई है। राज्यपाल की अनुमति पर जेल प्रशासन और सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि अगर दोनों को किसी दूसरे मामले में जेल में रखना जरूरी ना हो तो जिला मजिस्ट्रेट दो जमानती और उतनी ही धनराशि का मुचलका पेश करने पर अमर मणि और मधुमणि को जेल से रिहा कर दें। और मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला का आरोप भी सामने आ रहा है। राज्यपाल को भ्रमित कर जारी करवाया गया आदेश, बड़ा आरोप लगाया गया। अमर मणि की रिहाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। राज्यपाल को सुनवाई के बारे में जानकारी दी गई थी। सुनवाई से पहले रिहाई के फैसले को लेकर हैरानी जाहिर की गई है। अमर मणि की रिहाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, इसे चैलेंज किया गया था। और अब सवाल यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट जब इस पर बैठेगा तो क्या फैसला सुनाता है। मैंने जब सुना कि अमर मणि और मधुमणि की रिहाई की बात हुई है, आदेश हुआ है, राज्यपाल महोदया ने किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके यह आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है जब तक सुप्रीम कोर्ट की। और अमर मणि की रिहाई को लेकर सीमा सिंह का विरोध भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार की हत्या करवाई जा सकती है, ये बड़ा आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। अब आपको बता दें कि सीमा सिंह सारा सिंह की मां हैं और सारा सिंह अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि की पत्नी थी। सारा सिंह की हत्या का आरोप अमन मणि पर ही है। ऐसे में रिहाई हो रही है तो कई सारे आरोप भी सामने आ रहे हैं और कई सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। फिलहाल सबसे अहम पहलू सुप्रीम कोर्ट का, जब आज इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन आरोप किस तरह से लगाए जा रहे हैं जरा उसे सुनिए। वर्तमान सरकार माफिया को मिटा रही है तो इस माफिया के सपोर्ट, इस माफिया को बिल्कुल सपोर्ट ना करें। ये माफिया अगर रिहा हो गया इस वर्तमान सरकार में तो मेरी और मेरे बेटों की हत्या करा देगा, उधर वो निधि शुक्ला की भी हत्या करा देगा और अपने हत्यारे बेटे का राजनीतिक करियर सुधारेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे हत्यारों को रिहा ना किया जाए। और मनीष यादव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, एक तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है, दूसरी तरफ राज्यपाल की ओर से आदेश कल ही जारी कर दिया गया जिसमें कि रिहाई को लेकर हामी भर दी गई है, और तीसरी तरफ आरोप जिस तरह से लगाए जा रहे हैं इस पूरे मामले में, आने वाले वक्त में अभी क्या हो सकता है? देखिए, चूंकि आज जो मधुमिता की बहन है निधि शुक्ला, उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो ये तय हो जाएगा कि होगा क्या। हालांकि रिहाई के आदेश जारी हो चुके हैं और जो सूचना मिल पा रही है, गोरखपुर जिला प्रशासन आज इनकी रिहाई पर विचार कर रहा है और संभावना इस बात की है कि आज दोपहर को दोनों की रिहाई हो सकती है, क्योंकि डीएम को तय करना है कि ये पूरी प्रोसेस कब संपन्न होगी। जो दिशा निर्देश दिए गए हैं जमानती और दो बॉन्ड भरने के, वो जो जानकारी मिल पाई है अमर मणि के पक्ष ने तैयार कर लिए हैं और जिलाधिकारी के आदेश के बाद जिला कारागार से उन्हें रिहा करने की व्यवस्था दोपहर तक हो जाएगी। हालांकि 11 बजे इसमें सुनवाई है। अब क्या कुछ इस आदेश पर असर पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस मामले को लेता है, ये सुनवाई में तय होगा। लेकिन जो निधि शुक्ला है वो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई थी लेकिन बावजूद इसके राज्यपाल को अंधेरे में रखकर ये आदेश करवाए गए हैं, क्योंकि अमर मणि कोई सामान्य अपराधी नहीं है बल्कि इसके पास पहले भी मुकदमे दर्ज रहे हैं। 33 मुकदमे पहले थे, 34वां मुकदमा मधुमिता शुक्ला हत्याकांड का था। ऐसे में साजिशन और शातिर अपराधी ये रहा है और 62% से ज्यादा, एक आंकड़ा भी उन्होंने दिया है कि 62% से ज्यादा समय उसने जेल से बाहर बिताया है। तो 14 साल की जो सजा है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा अगर वो जेल से बाहर रहा है तो
उसकी सजा पूरी कहां हुई है। तो ये तथ्य उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज वो रखने की तैयारी भी कर रही है और साथ ही राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रमुख सचिव गृह को भी इस बाबत पत्र भेजा है। चूंकि 2003 में ये मामला सामने आया था, उस वक्त अनुराग यूपी की सियासत एकदम बदल गई थी। अमर मणि उस समय मंत्री हुआ करते थे, कद्दावर मंत्री बसपा की सरकार में हुआ करते थे, तो उस वक्त भी इसको लेकर तमाम लेकिन सवाल इस मामले में कानूनी तौर पर सजा सुनाई गई और अब इस मामले में एक बार फिर से कानूनी दाव पेश सामने आ रहे, कोर्ट का फैसला क्या होगा ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।